तो भाई अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है मेरे लिए यहाँ से निकलना भाई। तो भाई अभी ना मैं आपका इस तेंदुए की गुफा से निकल के आ रहा हूँ, सच में इतनी डरावनी है। और बिना इस खतरनाक वाली गुफा के अंदर हम फंस चुके हैं, हम यहाँ मर भी सकते हैं अगर कोई पत्थर फिसला ना। भाई आगे की जो गुफा है ना बिल्कुल बंद हो गई है अब ना, मुझे बहुत डर सा लग रहा है चुके इसके अंदर। मैं और विक्की भाई जा रहे हैं इस डरावनी सी गुफा के अंदर और आज अपने साथ क्या होने वाला है पता नहीं भाई। ठीक है तो भाई चलो भाई, यहाँ से तो निकलना बहुत टफ है यार। आपको कभी भी इस तेंदुए की गुफा के अंदर ना कभी भी रात को ट्रेवल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा डेंजर है। ओ गॉड भाई, अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ ना सच में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आपको एक तेंदुए की आवाज सुनाई दे रही होगी यहाँ से निकलने के लिए ना। अब हमको बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कैसे निकलना पड़ रहा है भाई। अब पता नहीं यहाँ से टेढ़ा, अबे दोनों पैर एक साथ में मूव कर नहीं सको भाई। भाई 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 मर गया। तो भैया जी कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए एपिसोड में। और अभी मैं हूँ आपका नैनीताल में, अपने होटल पे हूँ और यहाँ से मैं आपको आज नैनीताल की एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ ना जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। वो इतनी एडवेंचरस और इतनी खतरनाक, इतनी भयानक जगह है ना, मैं उसके बारे में सोचता था कि मैं जाऊँगा जाऊँगा लेकिन आज नैनीताल में हूँ ना तो आज आपको मैं वहाँ लेके चलने वाला हूँ। अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा वो खतरनाक, वो भयानक सी सुरंग, वो गुफा कौन सी है नैनीताल के अंदर जहाँ लोग जाने में डरते हैं। तो भैया अपना सारा सामान ना मैंने बाहर होटल से बाहर निकलवा दिया है, अब जाके गाड़ी पे लोड करना है, उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग। तो भैया जी सामान लेके हम लोग होटल से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये हाइट इतनी खतरनाक थी ना, देखो पीछे सामान कैसे आ रहा है, अपनी बाइक का सामान देखो, मेरे सैडल बैग सारे भाई लोग लेके आ रहे हैं। अपना सारा सामान बाइक पे लोड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो यार अपना सारा सामान लोड हो गया अपनी बाइक पे, अब बस यहाँ से निकलना है भाई। ठीक है तो चलो भैया नई राइड की शुरुआत करते हैं और महादेव के नाम के साथ, हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। तो भैया चलो नैनीताल को छोड़कर निकलने का टाइम आ गया है, अब हम निकल रहे हैं नैनीताल से कालाढूंगी वाले रोड की तरफ और वहाँ पे ना एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर आपको मैं आज लेके जाने वाला हूँ, सच में वो बहुत डेंजरस गुफा है। तो भाई अभी ये क्राउड है आपका नैनीताल का और जैसे जैसे शाम ढलती रहेगी ना वैसे वैसे आपको भीड़ रोड पर इतनी दिखती रहेगी। तो भैया जी आपके सामने है नैनीताल का हाई कोर्ट और यहाँ पे हॉर्न बजाना बिल्कुल साफ मना है। भाई साहब अगर आप बाइक से नहीं आ रहे हैं नैनीताल, अगर आप बस से आ रहे हैं तो ना आपको कालाढूंगी से जो बस मिलेगी वो आपको यहाँ पे छोड़ेगी देखो, और यहाँ से आपको कालाढूंगी रामनगर और काशीपुर के लिए बस आराम से मिल जाएगी 3:30 बजे तक। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास। तो भैया जी हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन के पास। तो भाई अभी ना हम आपका नैनीताल का जो केव गार्डन है ना, हम केव गार्डन पर आ गए हैं और सबसे पहले हमको क्या करना है ना अपनी टिकट लेनी है और यहाँ पे जो टाइमिंग है ना वो आपका 5 बजे आपको लीव करके बाहर आना पड़ेगा, वरना वहाँ पे लाइटें क्लोज कर देते हैं और आपको पता है केव के अंदर कैसा होता है लाइटें चली जाए। तो भैया हम लोग केव गार्डन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और केव गार्डन का जो एंट्रेंस है ना वो इस तरीके से है, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो हमारे पास सिर्फ 45 मिनट है, हमें घूम के बाहर आना है। एंटर करते ही ना सबसे बड़ा बोर्ड आपको यहाँ पर दिखा, यहाँ पर लगा हुआ दिख गया होगा, पर्यटक बनकर आएँ और मित्र बनकर जाएँ और गुफा के अंदर सावधानी पूर्वक चलें। पहले ही बता दिया है कि भैया केव जो ये गुफा है ना इसमें आप जब जाओगे तो आपको बड़े प्यार से और आराम से और सावधानी पूर्वक जाना है, क्योंकि आपको पता है पत्थर कहीं भी गिर सकते हैं और आप सामने आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये लेपर्ड की आवाज़ है भाई, मतलब ये आपका टाइगर केव है। सबसे पहले आपको दिखाई देगी आपका टाइगर केव और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसके अंदर की, टाइगर केव हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर आपका, आप ये देख सकते हो भाई किस तरीके से ये केव है। तो भैया जी अभी आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी टाइगर की। तो भाई साहब इस केव गार्डन के आसपास ना आपको ऐसे साउंड सुनने को मिल जाएंगे, ओह गॉड। अभी ना आप ये समझ लो कि इस गुफा के अंदर ना जो मेरी हालत है ना बहुत ज़्यादा खराब है भाई अभी, क्योंकि अंधेरा जितना ज़्यादा होता जा रहा है ना यहाँ पर और डर लग रहा है और रास्ता आप कैसा है देखो भाई, सच में बुरी हालत होने वाली है और इतना पतला है मुझे लग रहा है मैं अपना बैग लेके क्यों आ गया हूँ यार, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है मुझे फिलहाल, बट ये नेचुरल है वैसे और बट इसको क्या कहते हैं इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि ये मतलब पहले ये आपका टाइगर की ही केव हुआ करती थी बट अभी क्या ये पर्यटकों के लिए कर दिया गया, बट अभी पहले अभी चलते हैं भाई अंदर को। मैं और विक्की भाई जा रहे हैं इस डरावनी सी गुफा के अंदर और आज अपने साथ क्या होने वाला है पता नहीं भाई। ठीक है तो भाई चलो भाई यहाँ से तो निकलना बहुत टफ है यार। अभी क्या है ना जो टाइगर वाली केव थी
उससे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। हम टाइगर कैब से बाहर आ गए हैं और टाइगर कैब से जो टाइगर वाली गुफा थी ना, इससे बाहर आने के बाद आपको दिखाई देगी इधर आपका पैंथर कैब। आप समझ लो कि जब रियल में यहाँ पर जब जानवर रहते होंगे ना तो कैसी हालत होती होगी भाई साहब। अभी तो क्या है, यहाँ पर सब कुछ पूरा देख रेख में है तो हम बड़े प्यार से मजे से आ जा रहे हैं, वरना ना अगर रात को हम अकेले आ जाए ना तो हमारी फटके हाथ में आने वाली है भाई। हमारी अब एंट्री होने वाली है पैंथर केव के अंदर, और पैंथर केव के अंदर आप देखो रास्ता कैसा है भाई, इधर से पूरा ऐसा लग रहा है कि गिर के नीचे चले जाएंगे यार भाई। बहुत खतरनाक सा रास्ता है यार, बहुत ज़्यादा टफ, देख रहे हो कैसा रास्ता है यहाँ का। ओए भाई, तो भैया अभी हम जिस गुफा के अंदर है ना, इसे बोलते हैं आपका पैंथर केव। ये आपका पैंथर की गुफा है, पैंथर मीन्स तेंदुआ। तो भैया अभी मैं इस तेंदुआ की गुफा के अंदर हूँ और सच में इतनी रात को इस गुफा के अंदर मैं जा रहा हूँ, सच में मुझे इतना डर लग रहा है। आप इधर देख रहे हो ना, इधर लाइटें लगवा रखी हैं इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं। अभी ना मैं अपने फ़ोन का टॉर्च भी जला के चल रहा हूँ क्योंकि ना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है इस गुफा के अंदर, और रात के टाइम पर ना कभी भी यहाँ ट्रैवल मत करना। आपको कभी भी इस तेंदुए की गुफा के अंदर ना कभी भी रात को ट्रेवल नहीं करना चाहिए। मैं रिस्क लेके आ गया हूँ, और ये पत्थर वत्थर जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की भाई मेरे। ओ गॉड भाई जल्दी आ भाई मेरे, बहुत ज़्यादा डेंजर है। ओ गॉड भाई, अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ ना सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पीछे से मेरी कमर में बैग है और ये गुफा है, इस गुफा के अंदर भाई। ओह आपको बाहर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, देखो सुनो। तो भाई अभी ना मैं आपका इस तेंदुए की गुफा से निकल के आ रहा हूँ, सच में इतनी डरावनी है, और ना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये आर्टिफिशियल है, ये एकदम से एकदम रियल है। और बस ये अब अपने कुमाऊँ के संरक्षण में है, इसलिए ये पूरा अब यहाँ पर टूरिस्ट आता है, इसलिए यहाँ पर तेंदुए नहीं है, वरना पहले ना यहाँ टाइगर भी थे और तेंदुए भी थे। आपको एक तेंदुए की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये उसी तेंदुए की आवाज़ है जिसकी ये गुफा से मैं निकल के बाहर आ रहा हूँ। तो भैया जी ये थी आपकी तेंदुए वाली गुफा, ये पूरी गुफा आपकी तेंदुए वाली है भाई, बहुत खतरनाक है। अभी है ना हम लोग आपका टाइगर और आपका पैंथर केव से बाहर निकल के आ गए हैं, और यहाँ पूरे बांस के जंगल हैं, बहुत ज़बरदस्त वाले सच में, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो कि वो सब आर्टिफिशियल था। बट नहीं, अगर ना पहले के टाइम पर जब कभी यहाँ पर ना सब कुछ होता होगा ना तो वो सब कुछ एकदम रियल है, वो हाथ से बनाया है बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अभी क्या है ना, टाइगर केव और पैंथर केव देखने के बाद अभी ये नई केव के अंदर हम जा रहे हैं, और ये केव ना और ज़्यादा खतरनाक है, एकदम से नीचे उतरना पड़ रहा है इसमें, पता नहीं क्या होगा यार इसके अंदर। अभी देखते हैं, चलते हैं अंदर, बाकी मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा कि अंदर कितना खतरनाक और डरावना है भाई। भाई अभी क्या है ना यार, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, और ये एक ऐसे जानवर की गुफा है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। ठीक है भाई चलो अभी निकलते हैं। आग भाई कितनी संकरी है यार, तो यार इतना खतरनाक है ना, घुटने के बल चल के अंदर आना पड़ रहा है, और इस तरीके से अगर हम ना आए ना तो ऊपर सर लग जाएगा, इसलिए इस तरीके से आना पड़ रहा है, बहुत टफ है यार। भाई 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 यहाँ ना बैग फंस जा रहे हैं यार। अब मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ ना, मुझे ऐसे झुक झुक के निकलना पड़ रहा है, मुझे कितना तकलीफ हो रही है मैं जानता हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा भी अगर मैं उठूंगा ना तो मेरा बैग ऊपर टकराएगा और मेरा सर टकराएगा। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है मेरे लिए यहाँ से निकलना। भाई ये यार, ये सच में ये आर्टिफिशियल गुफा तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ओ गॉड भाई भाई भाई, बहुत बुरी हालत हो इस केव गार्डन में ना, तीन केव जो है वो मैंने लगभग देख लिए, और यहाँ पे ना एक बड़ा सा टाइगर बना था। जब मैं इस केव से बाहर आया ना तो मुझे लगा ये क्या है साला, सच में रियल का टाइगर तो यहाँ नहीं आ गया, बट कोई नहीं, ये खाली पत्थर का बना हुआ है, सीमेंटेड है। और अब हम जा रहे हैं आपका बैट्स केव के अंदर, चमकादड़ वाली गुफा में, और अपने चमकादड़ दोस्तों के साथ। ठीक है भाई चलो, तो ये केव और ज्यादा खतरनाक है भाई यार, इसका फ्लैश कर जलेगा। मैं सच में यार ऊपर कर दे, पूरी केव घूम के ना पूरा रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता चलेगी यहाँ क्या क्या है केव के अंदर। ठीक है भाई, वो तेरी चीनू ने बोला ना। तो भाई अब देखो अपने बेग की भाई आगे आगे जा रहे हैं, और मैं बैठ के जाना पड़ेगा भाई, बैठ के खड़े होकर जाएगा ना सर लगेगा 101% भाई, बैठ के जाइयो, रिस्क मत लीजिए, मैं सोचे कपड़े गंदे होंगे। चलो फिर चलो, तो भाई ऐसा है आगे आगे चल रहा है अपना बिक्की भाई, और पीछे पीछे रोहित पहाड़ी भाई। अपना फोन का टॉर्च भी लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर इतना ज्यादा अंधेरा है ना भाई, जा पाएंगे क्या नहीं पता नहीं, तो कैंसिल कर दे फिर ऐसे। नहीं चल रहे हैं बैग भाई, उसी में तो मजा है। चलो फिर ठीक है भाई, यहाँ पे ना फिसल फिसल के जाना पड़ेगा तभी हम चल पाएंगे, वरना हम लोग चल नहीं पाएंगे भाई। अब देख रहे हो आप
सच में कभी यार, जो यार डरता नहीं ना, जो मतलब थोड़ा सा हॉन्टेड चाहता है ना, प्लीज वही यहाँ आए। और जिसको डर लगता है ना सच में रात को ऐसी गुफाओं के अंदर जाने में, प्लीज वो मेरा रिक्वेस्ट है, वो यहाँ मत आना, वरना आप ना इसको पार कर पाओगे। हाँ। नीचे की तरफ को चल रहे हैं, देखते ऐसे लग रहा है रास्ता नहीं होगा। भाई मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं साथ में बैग लेके आ गया हूं। मैंने भी यार, अगर ये बैग नहीं होता ना तो बहुत इजीली मूव हम कर पाते, बट हमारे कैमरे और लैपटॉप इसके अंदर है ना, इसको बाहर छोड़ना भी बिल्कुल हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि सारी मेमोरीज पूरी उत्तराखंड राइड की ना मेमोरीज के अंदर है। तो भाई कैसे भी ना मुझे हिम्मत करके, मुझे हिम्मत नहीं आ रही, कैसे ही मुझे यहाँ से निकलना है इस गुफा के अंदर से। और पता है मैं अपनी जान पे खेल के जा रहा हूँ अभी, ये पत्थर है आप देख रहे हो, ये कोई भी पत्थर अगर सरक गया ना सच में, अगर मैं फंस गया ना तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये हॉन्टेड गुफा जो है ना, रात को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जान भी जा सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, ठीक है। भाई मैं निकलूँ कैसे यहाँ से? जैसे मैं निकला, पहले सरकना है और फिर बैठना है, फिर बैठ के सरकना है। अभी ना इस खतरनाक वाली गुफा के अंदर हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, हम यहाँ मर भी सकते हैं अगर कोई पत्थर फिसला ना, बट अभी आप देखना आगे, शायद अगर ऐसा ही गुफा होगी ना तो हमारी जान भी जा सकती है, वरना आपको दिखाने के लिए ना हम इस गुफा के अंदर से जाएंगे। मतलब ऐसा रिस्क लेके हम इसलिए आ रहे हैं ताकि आप लोग देख पाए और हम लोग भी देख पाए। चलो तो चलो भाई, ऐसी जगह है ना, अगर एक पत्थर भी ऊपर से निकल गया ना नीचे को, बस हम रास्ता ब्लॉक है और हम लोग ब्लॉक है, हम लोग खत्म है बिल्कुल, टमाटो कैचअप बन जाएगा। अब ना अब हिम्मत जवाब दे गई है भाई, यहाँ से निकलने के लिए ना अब हमको बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कैसे निकलना पड़ रहा है भाई को, अब मुझे भी यहाँ से ऐसे ही निकलना है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई निकला कैसे जाएगा, क्योंकि मैं ना निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ इस गुफा के अंदर। अब भाई अब पता नहीं यहाँ से टेढ़ा, अबे दोनों पैर एक साथ में मूव कर नीचे को भाई, ऐसे बैठ के तू आगे हट, मैं ऐसे निकलूंगा देखो। तो भाई मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा इस तरीके से, भाई 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 मर गया। ओ बेटे कुछ हर मोड़ पर जैसे मुड़ रहा हूं ना भाई, आगे की जो गुफा है ना बिल्कुल बंद हो गई है, और मुझे बैग जाना पड़ेगा कम से कम, मुझे एक घंटा फिर लगेगा इस गुफा के अंदर पीछे जाने में, या फिर आगे रास्ता खुला होगा ना तो ही जा पाऊंगा। अब ना मुझे बहुत डर सा लग रहा है इसके अंदर। भाई निकल पाएंगे यहाँ से हम लोग? नहीं निकल पाएंगे भाई, वो निकल गया क्या? हाँ मेरे को ना हालत खराब जा रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे आगे। ओके भाई नहीं हो पाएगा, तू एग्जिट लेके आ जा। बाय बाय, मैं एग्जिट ले लूंगा यहाँ से। ले ले ले, बाय बाय। चल ठीक है, कितना टप है देख लो एक बार। आ जा अभी अपनी टप बहुत इजी है भाई। आ जा, अब की बात नेक्स्ट लेवल है, सरक सरक के आना। नहीं यार भाई मैं तो एग्जिट ही होऊंगा कभी, ये तो सरक निकालो। अंदर और यहाँ पे आपको ना बंदर लंगूर ये सब यहाँ मिलते थे कभी, बट अभी नहीं, ठीक है। चलो भाई। ओ भाई केव देखो भाई, क्या खतरनाक है, ये है ना साथ के लड़के ना, एक और केव है उसके अंदर जा रहे हैं, बट सच में मेरे बस का नहीं है, क्योंकि ना मैं दो बार फंस चुका हूँ और मेरे सर पे भी चोट लग चुकी है पत्थरों से। तो मैं ना यहाँ से एग्जिट करके आउटसाइड निकल रहा हूँ, ताकि ना मेरे को ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची अंदर अब केव्स के अंदर घुस के निकलने की। मेरी कमर और सर पे ना चोट भी लग गई पत्थर से, क्योंकि गुफा के जो पत्थर है ना वो बहुत खतरनाक है, और सच में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस ये गुफा थी भाई, बहुत ज़्यादा सबसे टफ अगर कोई केव थी ना तो वो यही वाली थी। अभी ना मैं गुफा के अंदर गया था और वहाँ से जब निकला हूँ ना बाहर, अब सर पे चोट लग गई पत्थर से इसलिए मैं बाहर आ गया। अभी यहाँ पे जो इसका संरक्षण करते हैं, यहाँ के कुछ हैं लोग जो ये गुफा का पूरा मतलब केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कहाँ से आना है कहाँ जाना है, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं गुफा के बारे में। ये मतलब ये गुफाएं पहले की थी या बनाई हुई है हैंडमेड? गुफाएं पहले से ही है। अच्छा, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर रहेगा लाइट एट देख के। तो पहले ये गुफाएं सब नेचुरल है, तो इन गुफाओं में रहते होंगे पहले? पहले एनिमल्स रहते थे। अरे बाप रे, रहते थे मतलब घूमते थे पाए जाते, मतलब जब फॉरेस्ट हुआ ना। अच्छा, कॉर्बेट से जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ कभी यहाँ ऐसा होता है कि रियल में आ जाए? अगर रात को तो आ सकते हैं, लेकिन अभी दिन में तो नहीं आते। इन केव में कभी भी आते हैं? कोई भी केव में नहीं आ सकते, मतलब केव में तो हम चेक होते रहती है ना। अच्छा, केव में तो रात को चेक करते हैं आपको केव? हाँ अभी चेक हो रही है, समाज से आवाज दे रहा हूँ सब निकाल रहे। अच्छा, मतलब रात को ये लोग ना यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे केव्स के अंदर चेकिंग करते हैं, कोई जंगली जानवर इसके अंदर आके बैठ तो नहीं गया। तो देखो अभी ये जो केव है ना, ये ओरिजिनल केव्स हैं, और ये बता रहे थे मुझे भाई साहब बता रहे थे यहाँ पे कि इन केव्स के अंदर रात को चेकिंग करते हैं, कहीं अगर ओरिजिनल जो 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 एनिमल्स हैं कभी वो भी आ सकते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है कुछ भी हो सकता है। तो भैया जी ये था आपका नैनीताल का केव गार्डन। तो यहाँ पे कहते हैं जानवर कभी भी जो रियल जानवर है वो भी आ सकते हैं क्या कभी भी? हाँ जंगली हुआ उन्हीं की जगह हुई है। तो मतलब अगर कभी आके अंदर छुप गए कहीं कोने कोने में तो फिर क्या? सुबह शाम हर टाइम चेकिंग होती है ना इसकी, कहीं जानवर आके बैठ तो नहीं गया? अभी आप ये समझ लो कि मैं उन्हीं की जगह से निकल के आ रहा हूँ, रियल केव से निकल के। भाई साहब बता रहे हैं कि ये ऐसा है आप लोगों के लिए खुला है और हमारी सिक्योरिटी में खुला है, लेकिन ये जो गार्डन है ना
ये समझ लो कि ये उन जानवरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। यहाँ पे वो कभी भी आ जाते हैं, रात के टाइम पे यहाँ पे उनका आना जाना लगा ही रहता है। अगर आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो आप बच्चों को केव के अंदर ना ले जाएं। बच्चों के खेलने के लिए ना इतने प्यारे प्यारे से यहाँ पे बनाए हुए हैं, सारे बच्चों के खेलने का पूरा इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है। ये देखो आप, ये टॉय गार्डन है बच्चों का। आप जो बड़े लोग हैं वो गुफा के अंदर जा सकते हैं और बच्चे लोग यहाँ खेल सकते हैं। तो ये पूरा केव गार्डन का वीडियो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो घूमने में और एडवेंचर करने में और ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड है। अगर पहली बार ना इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पर अगर आए होगे ना, तो नीचे लाल रंग का जो बटन है ना, अगर आपको लगा हुआ कि मैंने आपको कुछ अच्छे से जानकारी दी है, तो नीचे लाल रंग का जो बटन है उसे दबा दीजिए और हमारे हमेशा हमेशा के लिए व्यूअर बन जाइए। और कुछ भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हुआ तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर मेंशन करना, उससे मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है और आपको उसमें क्या अच्छा लगा है। ठीक है, तो अभी टाइम है एग्जिट करने का। सबसे लास्ट में हम ही हैं इस गुफा के अंदर, सारे लोग ना टाइम से निकल गए, हमको ढूंढने यहाँ के कर्मचारी आए थे। उन्होंने कहा कि भाई वो जो लड़के यहाँ से पहले गए थे फटाफट उनको ले आओ, क्योंकि अब शाम का समय है, क्योंकि अब जंगली जानवर का भी यहाँ पे प्रवेश हो सकता है कभी भी। हाँ, हम लोग आपका केव के अंदर थे और सबसे लेट हम ही हो गए थे, तो सर लोगों ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया कि केव के बंद होने के बाद भी ना हमको वहाँ घूमने दिया, और उसके बाद अभी वो सब हमारा इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। तो आप सब लोगों का दिल से बहुत धन्यवाद, और अगली बार हम जरूर आएंगे और बहुत सारे लोगों के साथ आएंगे। बिल्कुल केव गार्डन के बाहर पहुंच गए हैं बिल्कुल, और ये पूरी टीम है केव गार्डन का, पूरा इंचार्ज सारा डिपार्टमेंट, ये बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। सच में केव गार्डन के ना लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो ये केव गार्डन का फ्रंट गेट है। नमस्कार, बाय बाय। रोहित पहाड़ी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद।